शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। इतना रुतबा ही शर्म है कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूं तो कोई ना नहीं कह सकता। बस एक अच्छा खानदान चाहिए, एक शरीफ ने एक लड़का चाहिए। लेकिन पंडित जी कुछ खुलकर हमें आपके बिजनेस के बारे में नहीं बता सके। आपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया? क्या बताता? संजना एयरवेज। हाँ हाँ, संजना एयरलाइंस। संजना टेक्सटाइल्स। हाँ संजना टेक्सटाइल्स। काफी फैला हुआ बिजनेस है, बहुत एस्टैब्लिश है। अभी तो सभी कारोबार फोन पर ही चलता है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं सर, एक नहीं दो दो, सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये पार्टी भी नहीं सर, बहुत बड़ी खुशखबरी है सर, आपके तो एक फोन ने काम कर दिया सर। वो जो धनसुख ज्वेलर का मर्डर केस आप पर चल रहा था ना सर, वो खत्म हो गया सर। गवाह भी जान गया सर कि अगर उसने आपके खिलाफ गवाही दी तो आप उसके पूरे खानदान को उड़ा डालेंगे। और बिल्डर ने भी पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली है, सेटलमेंट करना चाहता है सर। सर 2 करोड़ रुपए तो दे दिए हैं, बाकी के 3 करोड़ कल कोर्ट में देने वाला है सर। ये लोग कौन थे सर जो चले गए? जा पूछ क्या। संजना बेबी का रिश्ता लेके आए थे। अरे कहाँ से आए थे, घेर घार कर मुंबई से बुलवाया था, 100 झूठ बुलवाए थे तुमसे जी। भला इस शहर में ऐसा कौन सा अच्छा खानदान बचा है जिसने हाथ पर जोड़कर हमसे इनकार न किया हो। सॉरी सॉरी सर, मैं तो एक्साइटमेंट में आकर। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। ए वल्लू बता 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 इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है बता इसे। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और बस 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 हो गया। अब बता क्या करूँ तेरा। मैंने तो सोचा कि दो दो गुड न्यूज मैं आपको दूंगा तो आप मेरी सर प्लीज अब तो माफ कर दो, और कितने दिन दौड़ाओगे। क्या उदय भाई, कब से फोन लगा रहा हूं और आप क्या अंबानी को बंद करके बैठे ले हो। आज मैंने एफएम हुसैन का गेम बजा डाला। हाँ? भाई उधर देखो उधर। लगता है इंडिया वाली पार्टी भी भाग गई। भाई हाँ? एक बात पूछू ना। पूछ। ये संजना आपकी सगी बहन है? सगी से भी बढ़कर है। हाँ वो तो है, लेकिन सगी सगी है। मैं ऐसा काला कल उठा वो गोरी चिट्टी इसलिए पूछ रहा है ना, शंकर शेट्टी 2 शादी किया मेरा बाप। हाँ बाबा की तो 2 शादी हुई थी, लेकिन अपनी संजना की एक भी नहीं हो रही। एक भी मतलब एक ही करनी है? हाँ वही तो, एक भी तो नहीं हो रही, लेकिन अभी हो जाएगी। आपके प्रॉब्लम का सॉल्व मेरी उस पेंटिंग में। हाँ वो लड़के को देख रहे हो? कहाँ है लड़का? अरे वही जो बॉनेट के ऊपर बैठा है। बॉनेट कहाँ है? लड़के के नीचे है। हाँ लड़का एकदम शरीफ है, शरीफ। ये शरीफ लोग बहुत बदमाश होते हैं, शराफत की जुबान नहीं समझते। हाँ इसीलिए तो अब ये मैटर मैं खुद सॉल्व करूंगा। लड़के की कुंडली कल तक मिल जाएगी और इस शरीफ शाने के घर वालों से मैं अपने स्टाइल में बात करूंगा। आप बीच में मत पड़ना। हाँ तो फिर हो गई शादी। हर मुलाकात में वो एक खोखा बढ़ा देता है सर, और सबसे गलत बात तो ये है सर कि उसे हफ्ता कहता है। हफ्ता? अरे तो महीनों बरसों सदियों की कमाई होती है सर। प्लीज मुझे इस गुंडे इस बदमाश से बचा लीजिए सर, मैं बहुत मुसीबत में। उठिए आप, उठिए। बुल पर बल्ली, रोना नहीं। हाँ शेट्टी साहब, आपने बुलाया? आप मजनू क्या कर रहे हो तुम? किसी को भी फोन करते हो, कुछ भी मांगते हो। घुंगरू जी मेरे जी,
जी मत कहिए मुझे प्लीज। अरे ऐसे कैसे, आजकल बिस्किट को भी पार्ले जी कहते हैं, आप तो डॉक्टर हैं, इतना नेक काम करते हैं। पता है मैं गरीबों का इलाज मुफ्त में करता हूँ सर, इसलिए मेरा हॉस्पिटल घाटे में जाता है। देखो ये ऐसे डॉक्टर हैं और तू है जो क्या है। शेठी साहब मेरे को मालूम नहीं था कि आपके पहचान का आदमी। पहचान के दोस्त है मेरे। फिर तो ये हमारे माए बाप हुए। मिस्टेक हो गया क्या, हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। मतलब तेरा काम हो गया तू जा। सर मैं जरा एक दो थप्पड़ मार दूं उसे, मेरा दिल कर। सर आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी ही बात है सर। आप फरिश्ता हैं सर, शराफत खत्म नहीं हुई इस दुनिया में। मैं कुछ नहीं हूँ आप, लेकिन ऐसे ही समझते हो तो मेरा एक काम करो। हुक्म हुक्म। मेरी एक छोटी सी बहन है, खूबसूरत है, शादी के लायक। अब समझा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, इतना रुतबा है, इस शहर में जिस घर पर हाथ रखूं रिश्ते के लिए कोई ना नहीं कहेगा। बस एक लड़का चाहिए जो शरीफ हो, नेक हो, अच्छे खानदान का हो, जो मेरी बहन को जिंदगी भर खुश। साहब ये तो ऐसी बात हो गई कि बगल में छोरा और शहर में डिंडोरा। मेरा अपना भांजा है, नेक है, शरीफ है, अच्छे खानदान का है। वाह। हाँ ये बात है कि हैसियत में माप के बराबर के नहीं है, लेकिन इज्जतदार है। पंडित जी मुहूर्त भोरत बाद में सोचेंगे, पहले इनकी मर्जी तो मैं जानू। अरे नहीं नहीं, मेरी तो हाँ है। आपकी हाँ? हाँ, मेरी तो मेरी भी हाँ है। देखिए जुबान दी है, मुकरने नहीं दूंगा। इज्जतदार आदमी हो शेट्टी साहब, एक बार जबान दी मतलब। भाई ये आप क्या कर रहे हैं? आज एक भाई अपनी बहन की खुशियों की भीख मांगने आया है। मैंने जो बदसलूकी की है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ आपसे। इस गलत धंधे में रहकर शायद लोगों के आंसुओं को मैं समझ नहीं सका, उसी की सजा भुगत रहा हूँ। हर दरवाजे पर अपनी बहन के रिश्ते की ना सुन सुन कर मैं थक चुका हूँ घुंगरू जी। यह आखिरी दरवाजा है मेरी बहन की खुशियों के लिए, इसे बंद मत कीजिए। बगैर ग्लिसरीन के कैसे आंसू निकाले जाते हैं देखा। आगे का ड्रामा संभाल ले। गुंगरू सेठ, मैंने आज तक उदय भाई की आंखों में आंसू नहीं देखे, और आज उनकी आंखों में आंसू देखकर एक बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर ये आंसू नहीं रुके ना तो इस शहर में सुनामी आ जाएगा। वो देखिए, अब ये पागल जी नहीं पाएगा। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। अगर ये नहीं बचेगा तो कौन बचेगा? कौन बचेगा? आप लोग सामान उतारिए। जी सर। ऐसी कोड़ा भाई। ए देख तू, चल जल्दी जल्दी सामान निकाल चल। जी सर। आप लोगों में से उदय कौन है? हेलो मिस्टर उदय, पुरुषोत्तम पप्पू, इस इलाके का म्युनिसिपल ऑफिसर नया। आपको मालूम तो होगा कि ये घर इलीगल है। मालूम है किसका है? आरडीएक्स का है, और वो कौन है ये भी जानता हूं। कानून नाम की कोई चीज होती है या नहीं? नहीं नहीं, डरिए मत, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूं लेकिन आदमी बहुत ही अच्छा हूं। कानून के दायरे में रहकर ही काम करता हूं। कोई कीमती सामान पड़ा हो तो निकाल लीजिए, मैं घर तोड़ने जा रहा हूं। अरे जाओ भाई, तोड़ने को मदद करो। जी जी भाई। Come on guys। सर मैं भी मदद करूं। हाँ चलिए। हाँ लिया लिया। सामान लिया ना। चलो चलो चलो। क्या बात है उदय भाई? फिल्म के हीरो ने कॉम्प्लेक्स दे दिया क्या? बल्लू। जी भाई। बता जरा। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा। अरे वो नहीं, मुहूर्त पर क्या हुआ बता। मुहूर्त? अरे वो तो कमाल हो गया। सुनिए, शेट्टी को निकाल के भाई को हीरो ले लिया डायरेक्टर ने। बोला सड़क पे से किसी को भी उठाकर स्टार।
नहीं 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 बोला सड़क पे से किसी को नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि एक बहुत बड़े एक्टर को ले रहा हूँ। बहुत ग्रेट डायरेक्टर है वो। और मजनू भाई देखो, भाई का पेपर में फोटो भी आया है। लेकिन साथ में ये क्या खबर छपी है, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? क्या जल रहा है रे? जल रहा? क्या जल रहा है? तेरा जल रहा है? नहीं, मुझे तो बदबू आ रही है। ए मजनू उड़ जरा, जरा पलट, ये देख पीछे से धुआं निकल रहा है। ले भाई से पंगा। मैंने आपसे कहा था ये घर इलीगल है। मैंने मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। आलू ले लो, कांदे ले लो, आलू ले लो। अरे कमाल, कमाल का शौक दिया है कमाल। एक बात नोट कर लो मेरी, इस दुनिया को बहुत बड़ा एक्टर दे रहा हूँ मैं आज। कीप इट अप, शाबाश। अगले शॉट की तैयारी करते हैं, यूनिट आगे ले चलो। हाँ ठीक है, चल। वाह भाई साहब, कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। संजना तुम कुछ नहीं कहोगी? भैया मुझे तो लग रहा था आपके साथ बहुत मुश्किल होगी, लेकिन कितनी आसानी से सब कुछ हो गया ना। देख देख देख, बड़ा कमाल का डायलॉग लिखा। हाँ जी, बोली बोली बोली। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा कांदा। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना कोई आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? फिल्म लाइन में। नहीं नहीं, मैं टिश्यू टिश्यू की बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ एक्टिंग के लिए बने हैं? वाह। सुबह से ना कोई आलू बिका है, ना कोई कांदा। आधा, हाँ आधा 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 कांदा। भाई साहब ये शॉट बुला रहे हैं। मैडम आपसे मिलना चाहती। कौन मैडम? आपकी फिल्म की हीरोइन सर। देखी तेरी अदा हो गया मैं फिदा, तेरा ये लड्डू बना शेटे शेटे। आई ना सर, आप हैं मिस ईशा। हेलो। सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। कोई सोच भी नहीं सकता कि आपकी पहली फिल्म है और शूटिंग का पहला दिन। आई एम ग्लैड टू मीट यू देयर। सेम 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 हियर। हेलो। I hope you don't mind me calling you there. No, not at all. Madam, आपका shot ready है। अरे, yes. देखो उदय, बुरा नहीं माना please. मैं यहाँ ये film छोड़ने आई थी। क्यों? क्योंकि जब मुझे पता चला कि director ने hero को निकाल दिया है, I wasn't very comfortable, you know. I know. लेकिन जब मैंने आपकी acting देखी, oh my god, I mean, the way you said that dialogue, आलू ले लो, कांदा ले लो, मैं तो आपकी fan हो गई। नहीं बस छोटे मोटे एक्टर को देख के जरा करने की कोशिश। I want your autograph. Oh yes. Thanks. Welcome. अब साथ काम करने में मजा आएगा। बहुत। Welcome. Bye. Bye bye. भाई, लगता है ये हीरोइन आपके प्यार में गिर गई। भाई निकलो। मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। पार्टी का ले आओ भाई, ले आओ। राजीव भाई आप टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। यही है वो पार्टी। ये किस पर गोली चलाई तूने? भैया मैं समझा रहा हूँ संजना, मैं समझा रहा हूँ, मैं आप चुप, मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई। कंट्रोल पार्टी गई। कंट्रोल
उदय भाई लाशें बिक जाएंगी हम सबकी। अरे कैसे बताएंगे आरडीएक्स सर को कि उनके बेटे। सर आरडीएक्स सर की आप टेंशन मत लो, वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। उनको मैंने बता दिया है कि उनके बेटे को गोली लगी है और वो यहाँ हॉस्पिटल में है। तो उनको ये बताने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? क्यों बता? हट जा सर। यू बास्टर्ड आई विल किल यू। बास्टर्ड और किल यू बोल रही है? नहीं नहीं, ये दिया बुझने से पहले जो एक बार जोर से भभकता है ना, वही है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब इसका तेल खत्म हो चुका है और किसी भी पल इसकी गर्दन लुढ़क सकती है। यानी कि आरडीएक्स सर को अपने बेटे से बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि हम उन्हें कोई भी झूठी कहानी बोल सकते हैं। कुछ भी बोलो उदय भाई, लड़की बहुत इंटेलिजेंट भी है। थैंक यू। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मर तो जाएगा ना? अरे गारंटी के साथ मर जाएगा। तो फोन करके शमशान में इसकी जगह रिजर्व करवा लूं?